हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं फ्रांसीसी क्रांति। जैसे कि हमने लास्ट की वीडियोस में, लास्ट की खान में हमने पढ़ा था कि फ्रांस में क्या था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई थी, कुछ लॉज थे जिन्हें अबोलिश किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसमें कई तरीके के उन्हें राइट्स दिए गए। तो हम सोच रहे हैं कि शायद वहाँ की स्थिति ठीक हो गई थी, सब चीज़ अच्छा था। बट अगर बात की जाए, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि 1789 के बाद भी टेंशन बनी हुई थी। वो ऐसे थी कि लुई 16 ने जैसे तैसे करके, चाहे वो जो आम पब्लिक थी उनके दबाव में आकर उसने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन तो कर दिए, नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज तो कर दिया, बट वो मन ही मन में चाहता था कि उसको पावर वापस मिले। तो क्या था, लुई 16 और पर्सिया जो थे वो आपस में खुफिया तरीके से बात करने लगे, कैसे हम अपने अधिकारों को, अपने राइट्स को वापस ले, कैसे उसे अपने वापस पावर मिले। अब ये आपस में बात चल रही थी और वहाँ के जो लोग थे इतना प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, तो फ्रांस के आसपास के जो देश थे उन्हें टेंशन हुई कि कहीं फ्रांस के लोगों से मोटिवेट होकर उन्हीं के देश के लोग भी प्रोटेस्ट करने ना खड़े हो जाए, उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ ना हो जाए। तो उन्होंने क्या करा, फ्रांस में लोगों को दबाने के लिए वो अपनी सेनाएं भेजने लगे। इस तरीके से फ्रांस पर युद्ध की स्थिति मंडराने लगी। तो नेशनल असेंबली ने क्या करा, वहाँ युद्ध की घोषणा कर दी पर्सिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। तो क्या हुआ, इस तरीके से उन दोस्तों के खिलाफ युद्ध की घोषणा हो गई। अब जो फ्रांस के लोग थे वो अधिक से अधिक आर्मी ज्वाइन करने लगे, क्योंकि अब बात अपने देश की थी, तो इसलिए लोगों ने ज़्यादा ज़्यादा आर्मी ज्वाइन की। अब जो ये युद्ध हुआ, इस तरीके से बोलोगे तो आम जनता और राजाओं के बीच हुआ। अब ये सारे आदमी तो चले गए लड़ने के लिए, घर में कौन बची, लेडीज बची, तो लेडीज़ अपने घर को चला रही थी, घर को देख रही थी। अब आपको पता है कि जब युद्ध होते हैं तो क्या होता है, स्थिति एकदम ख़राब हो जाती है। अब लोगों के अंदर की जो भावनाएं थी, जो विचार थे, वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए कैसे डिस्कस करेंगे, तो उन्होंने उसके लिए बनाए पॉलिटिकल क्लब्स। क्लब्स पहले यानी कि एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी ही बनाई थी, जिसे पहले हम बोलते थे क्लब, आज उसे पार्टी बोला जाता है, यानी कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज बनाई। और उस समय क्या थी, 60 पॉलिटिकल पार्टीज थी, और उनमें से अगर सबसे फेमस पार्टी की बात की जाए, सबसे फेमस क्लब की बात की जाए, तो वो था जेकोबिन क्लब। और इसके जो सदस्य थे, इसके जो मेम्बर थे, वो ज़्यादा बड़े बड़े लोग नहीं थे, छोटे छोटे लोग थे, जैसे छोटे दुकानदार, मोची, घड़ी बनाने वाले, नौकर, मजदूर, ये सारे कौन थे, जैकोबिन क्लब के मेंबर थे। अब जो लोग थे वो बहुत ही गुस्से में थे, सारा गुस्सा आ रहा था किस पे, लुईस पे। तो जैकोबिन क्लब के लोगों ने क्या करा, एक तरीके से जो लुईस 16 के जो पैलेस था उस पर अटैक किया, उनके जितने भी गार्ड्स थे उन्हें मार दिया, और लुईस को क्या था, गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया, उसे बंदी बनाकर ले आए। बेचारा कहाँ चला गया, जेल में चला गया। अब क्या था, फ्रांस में कोई सरकार नहीं थी, तो वहाँ एक नई गवर्नमेंट का जन्म हुआ। गवर्नमेंट का जन्म कैसे होगा, वहाँ इलेक्शन हुए। तो इलेक्शन में एक चीज़ थी कि वहाँ अब जो एज पहले 25 से ज़्यादा के लोग थे, अब उसकी जगह 21 ईयर से ज़्यादा के लोग, 21 या 21 से ज़्यादा के, ज़्यादा एजिस के जो लोग थे वो वोट दे सकते थे। अब सभी आदमी जिनकी एज 21 ईयर से ऊपर थी, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उसे वोट देने का अधिकार था। फिर वहाँ इलेक्शन हुई, असेंबली थी, उसका जो नाम था वो बदलकर कॉन्वेंशन रख दिया गया। इलेक्शन हो गए, वहाँ किसी सरकार आ गई, एक तरीके से बोले तो वहाँ आ गई जैकोबिन की सरकार। आपको पता है तो जैकोबिन क्लब्स को जो लीड कर रहा था वहाँ, उसका जो मेन हेड था वो था मैक्सिमिलियन रोब्सपियर, और इसने नहीं कम से कम एक साल ही, ज़्यादा से ज़्यादा एक साल ही पूरे फ्रांस पर राज किया था। एक साल में ही इसने पूरे फ्रांस को हिलाकर रख दिया था। क्यों, क्योंकि इसके जो रूल्स थे, इसके रूल रेगुलेशन थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, और इसकी सज़ा तो माशा अल्लाह ही थी, वो इतनी बुरी सज़ा देता था कि किसी की भी रूह कांप जाए।
इस तरीके से उसके इस शासन काल को बोला गया रीजन ऑफ टेरर। अगर हिंदी में बोले तो वो था आतंक का युग। इसकी इसने एक साल शासन किया और एक साल में इसने एक तरह से इतनी बुरे हालात कर दिए। इसने क्या करा, रिवेंज लिया, रिवेंज एक तरीके से बदला लिया। इसने फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और अदर पार्टीज के लोग, अपनी ही पार्टी के लोग जो उसे अपने लिए खतरा लगते थे वो उनको उन्हें गिलोटिन करवा देता था, उन्हें अरेस्ट करवाता, कोर्ट में ले जाया जाता, अगर कोर्ट में उन्हें मुजरिम करार दिया जाता, उन्हें सजा होती तो वो उनको क्या करता, उनको ग्लोटिन करवा देता था। ग्लोटिन, अगर हम ये जो वर्ड सुन रहे हैं ग्लोटिन, ग्लोटिन क्या होता है, ग्लोटिन होता है एक तरीके का डिवाइस होता है जिसमें ब्लेड लगा होता है, वहाँ उस ब्लेड के नीचे उनकी गर्दन रख के उनको कलम कर दिया जाता है, यानी कि गर्दन काट कर उनको सजा दी जाती है। इस तरीके की वहाँ सजा थी, इतनी बुरी सजा दी जाती थी वहाँ। अब जब इसके रूल्स बने तो इसके रूल्स में क्या था कि इसने एक तरीके से वेजिस थे जो एक तरीके से जो लोगों की सैलरी थी वो तय कर दी थी, लिमिटेड कर दी थी कि इतनी ही सैलरी मिलेगी। फिर दूसरा था कि उसने एक लिमिटेड अमाउंट में ब्रेड और मीट तय कर दी थी कि अगर कोई भी फैमिली या कोई भी व्यक्ति लेके जाएगा तो इतनी ही उसे ब्रेड या इतनी ही वो यूज़ कर सकता, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। फार्मर को प्रेशराइज किया कि वो अधिक से अधिक यानी कि अपना जो हार्वेस्ट है वो मार्केट में बेचे, वो भी फिक्स्ड प्राइस पर। उसने जो वाइट फ्लोर था, वाइट फ्लोर था उसको नहीं है तरीके से उसके यूज़ पर प्रतिबंध लगा दिया, से बैन कर दिया। उसकी जगह उसने इक्वलिटी ब्रेड चलाई कि इक्वलिटी ब्रेड। उसने क्या करा, फिर सर और मैम की जगह उसने एक नई प्रथा चलाई जिसमें सभी लोगों को सिटीजन कहा जाता था। उसने क्या करा, फिर जितने भी चर्च थे उनको, चर्चों को तोड़कर उसने उसकी जगह ऑफिसेज बनवाए, ठीक है, ऑफिसेज बनवाए, और जो चर्च थे, कई चर्च थे जो उन्होंने बंद करवा दिए। तो इस तरीके से उसके जो लॉज थे वो ठीक नहीं थे। तो उसी की पार्टी के लोगों ने जब उससे उसके लॉज का रीज़न पूछा तो उसने उसका जवाब नहीं दिया। तो क्या हुआ, जुलाई 1794 में कोर्ट ने उसको मुजरिम करार दिया और फिर उसे जेल में ले जाया गया और अगले दिन ही उसे ग्लोटिन कर दिया गया, जिससे जैकोबिन की जो सरकार थी वो गिर गई। अब जब जैकोबिन की सरकार गिर गई तो वहाँ क्या थी, अब सारी पावर आ गई अपर मिडिल क्लास के पास। फिर नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, अब ये देखो कितना बार कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है। फिर नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, अब जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें ये चीज़ तय की गई कि जिस व्यक्ति के पास अपनी प्रॉपर्टी होगी, अपना घर होगा, वही वोट दे सकता है, और जिसके पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं होगी वो वोट नहीं दे सकता। अब यह हुआ तो अब फ्रांस के लोगों ने क्या करा, वोटिंग हुई, फ्रांस के लोगों ने दो लेजिस्लेटिव काउंसिल चुने, उन लेजिस्लेटिव काउंसिल ने ये क्या करा, डायरेक्टरी को चुना। डायरेक्टरी में होते थे 5 लोग, इस तरीके से उन्होंने चुना। अब क्या होता था, डायरेक्टरी और जो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थे उनके बीच आपस में तकरार हो जाती थी, जिसमें जो डायरेक्टरी के लोग थे कई बार उन लोगों को डिसमिस भी कर देते थे। जिसे अगर आप देखो तो वहाँ एक तरीके से कुछ भी फिक्स नहीं था, एक तरीके से पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रॉन्ग नहीं था। कोई भी अब बाहर का जो देश है, कोई भी बाहर का जो राजा है उन पर अटैक कर सकता था। तो ऐसी स्थितियों में किसको आने की जगह मिली, वो था नेपोलियन बोनापार्ते। अब नेपोलियन बोनापार्ते कैसे आता है तो उसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।